want concession. Student want concession. Rashtravadi Congress pakshat cha. Ujesto. Rashtravadi Congress pakshat cha. Ujesto. Sharad Chandra ji Pawar sahebat cha. Ujesto. Karcha karaycha kay. Khali doka wal pay. Ari ya sarkarcha karaycha kay. Khali doka wal pay. Fadnavis sarkar. Hai hai. Fadnavis sarkar. Hai hai. Fadnavis sarkar. Hai hai. Devendra Fadnavis. Hai hai. Uddhav Thackeray. Hai hai. Devendra Fadnavis. Hai hai. Uddhav Thackeray. Hai hai. आपको ये लग रहा है ये आंदोलन होगा छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग कार्रवाई कीजिए, हम यहाँ बैठने को तय कर लिए। या तो आज आप बुलाइए अपने गवर्नमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से, कि क्या आप एक रास्ता बता रहे हो और इसका क्या एक उपाय निकालोगे। अगर आप मोर्चे के लिए, आंदोलन के लिए चार बार फोन कर सकते हो, तो आप इस चीज़ के लिए हम लोग को क्यों नहीं फोन किए। हमारे लीडर्स के आपको पता नहीं है, आपको सचिन बाबू का नंबर नहीं मिलता, आपको शरद पवार जी का घर नहीं पता था, आप लोग सब लोग जा सकते थे कि आपके विद्यार्थी संगठन ऐसा कर रही है, इसका क्या जवाब है। इसमें हम ये कर रहे हैं, क्यों नहीं किया आप लोगों ने। इसमें क्या है ना, अभी आपका जो भी लेटर आया है, हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया हुआ है। आपने अपने अथॉरिटी को किया, इधर की अथॉरिटी ने नहीं, नहीं गवर्नमेंट को, हम आपसे डायरेक्टली करेस्पॉन्ड गवर्नमेंट को भेजना था ना कि अथॉरिटी को गया है। और देखिए अभी मेट्रो जो है, ये मेट्रो जो है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये आपका इधर का ही नहीं है, डीएमआरसी में भी, दिल्ली में डीएमआरसी में भी ऐसा कोई कंसेशन नहीं है। उनकी स्टडी पूरी नहीं हुई थी, मुझे लगता है मुंबई मेट्रो के ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी हमसे मिले वो काबिल नहीं है अपने जॉब के लिए, या वो जवाबदारी से अपना काम नहीं करना चाहते। उनको ये लग रहा है कि वो विद्यार्थियों की जो परेशानी है उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे और राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की डिमांड को हल्के में लेंगे, तो वो शांति से रह सकते हैं या वो शांति से बच पाएंगे अपनी जवाबदारियों से, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें यह लग रहा है कि यह आंदोलन बस हुआ तो अगला आंदोलन अंधेरी में होगा, उसके बाद अगला आंदोलन कोई और स्टेशन पर होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करते। अमित तिवारी जी ने जो बताया आपको, उसी तरीके से हमारा जो प्रपोजल है कि विद्यार्थियों को कंसेशन मिलना चाहिए, 50% कंसेशन मिलना चाहिए। जो ये सरकार वादा की थी कि महंगाई कम करेगी, महंगाई तो कुछ कम हुई नहीं है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, और माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो उसके अंदर ये कुछ एक थोड़ा सा जरिया बनेगा हमारा कि कम से कम 50% इसके अंदर कंसेशन मिल जाए लोगों को। मिलना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, मिलना चाहिए। आज आप मोर्चा लेके आगे, अगर ये सुने बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ तक ही सीमित है, उसके बाद अगर ये बात हमारी नहीं सुनते तो हम लोग आगे जाके मेट्रो को भी रोकने की कोशिश करेंगे। हाय 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 हाय
हमारी सबकी चाहत है, हर घर की चाहत है, हर विद्यार्थी की मुंबई की चाहत है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में किसी पढ़े लिखे और काबिल आदमी को उसकी तालमेल दी जाए। ना हमारे गवर्नर, ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ना मुंबई यूनिवर्सिटी के वीसी अपने काम पे, अपनी जगह पे, अपनी पदवी को संभाल पाए, जहां उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खेला, थर्ड ईयर के रिजल्ट को इतना लेट किया कि जिस बच्चे को आगे पढ़ना था और जिसे आगे विदेश या कहीं और या किसी फर्दर स्टडीज़ में जाना था, उनके भविष्य की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने अपने अनकाबिली, जो ये काबिल नहीं है, जो इनकी नाकामी है, और उसके उसमें भी इनका घमंड, इनकी अकड़ नहीं जा रही है। ये अपने आप को ऐसा तानाशाही तालिबानी हिसाब किताब में रखे हैं कि इनके आगे मोदी, इनके आगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी फैले, देश के दुश्मन बाहर वाले चाइना या कोई नहीं, ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं और ऐसे अफसर हैं जो इस ऐसी अच्छी जगह पे बैठ के उसको संभाल नहीं पा रहे और बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य अंधकार में डाल रहे। सीएम की आंख मूंदी हुई है, भाजपा सरकार हो या शिवसेना, हम जैसे कि सब जानते हैं, युवा सेना हमेशा से अपने बोलबाले में रही है कि हम यूनिवर्सिटी के कर्मदाता हैं, ये है जो उनके बोल बचन है। लेकिन कहीं से भी वो सरकार में होने के बावजूद बीएमसी कॉरपोरेशन से लेकर सरकार देश में से प्रदेश में सब उन्हीं की है, उसके बाद भी उन्होंने विद्यार्थियों को अपने आगे नहीं देखते हुए, उनके भविष्य को नहीं देखते हुए अपने घर में अपनी कुर्सी और अपने एसी के नीचे बैठ के ठंडी हवा खा रहे। यूनिवर्सिटी हाय हाय, विनोद तावड़े हाय हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, विनोद तावड़े इस्तीफा दो, इस्तीफा।